और उन्होंने कहा कि 32 साल से मैं इस सदन में आता जाता हूँ, पहली बार है कोई विपक्ष का नेता जो है इस बैठक को बाइकाट किया। ये बैठक बाइकाट का कहाँ होता है? जितना उनका तेवर है उससे ज़्यादा हम लोगों का पक्ष का भी तेवर है। जिस तरह की बातें आज हुई है, जिस सौहार्दपूर्ण माहौल में, हमें तो सरकार की तरफ से पूरी उम्मीद है कि सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चले। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का जो सत्र है कैसे सुचारू पूर्वक चले, इसको लेकर आज जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने बैठक किया तमाम दलों के साथ। पर जो बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, वो बीच बैठक से ही निकल गए। और इसके बाद जब बैठक ख़त्म हुआ तो हमने कई दल के लोग हैं, जैसे कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान, उनसे बात किया। जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनसे बात किया। और आरजेडी के भी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हैं, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से विजय सिन्हा बीच बैठक से निकल गए तो क्या कुछ करें तमाम लोग। ठीक, देखिए आप इस वीडियो में। इसमें सभी दल के नेताओं ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने में सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे। सरकार की तरफ से हमने भी उनको आश्वस्त किया है कि हम लोग भी सदन की कार्रवाई अच्छे से चले इसमें आसन का सहयोग करेंगे। और जिस तरह की बातें आज हुई है, जिस सौहार्दपूर्ण माहौल में, हमें तो सरकार की तरफ से पूरी उम्मीद है कि सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चले। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने बहिष्कार कर दिया सर, इस बैठक का भी बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा था, उन्होंने वो तो एक मुद्दे पर किया था कि वो पिछले मीटिंग की प्रोसीडिंग मांग रहे थे और ये कभी की परंपरा नहीं रही। वो जब अध्यक्ष थे तब भी, हम जब अध्यक्ष थे तब भी, हमारे पहले जो अध्यक्ष थे तब भी, उसके पहले जो अध्यक्ष थे तब भी, कभी ये परंपरा नहीं रही है। ये बैठक अत्यंत औपचारिक किस्म की होती है। हास्यास्पद स्थिति खुद की उन्होंने बना ली। छपास छपने की आदत हो गई है क्या? वो खुद स्पीकर रहे हैं और जिस चीज़ को उन्होंने अपने काल में नहीं किया और जिसकी कोई परंपरा ये इस तरह की बैठक के प्रोसीडिंग की नहीं रही है, उसका डिमांड ही उचित नहीं है। खुद स्पीकर रहे हैं और इस तरह की बैठकें किसी भी सत्र के पहले होती हैं कि सत्र कैसे सुचारू रूप से चलेगा और उस पर लोग अपनी राय देते हैं। और मीटिंग ख़त्म जो आज हुई, उनको जाना नहीं चाहिए था, लेकिन हमको लगता है कि उनको खुद का मजाक बनाने में मज़ा आता है। जितना उनका तेवर है उससे ज़्यादा हम लोगों का पक्ष का भी तेवर है। देखिए, एक व्यक्ति हाउस में हैं जिनको उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि ये व्याकुल भारत हैं। आपने सुना होगा कि ज़्यादा व्याकुल मत होइए। व्याकुल व्यक्ति उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के साथ जो मंत्री सरकार में थे, जब उन्होंने ही संज्ञा दे दिया है तो इतनी व्याकुलता से हाउस कैसे चलेगा? पहली बार है 30 साल के, अभी विजेंद्र बाबू अंदर में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि 32 साल से मैं इस सदन में आता जाता हूँ, पहली बार है कोई विपक्ष का नेता जो है इस बैठक को बाइकाट किया। ये बैठक बाइकाट का कहाँ होता है? ये तो होता है भाई सुव्यवस्थित ढंग से चले, सबका सहयोग चाहिए। एक सूचनार्थ एक होता है, एक औपचारिक बैठक होती है, उस बैठक को छोड़ना, प्रोसीडिंग मांगना, इसमें प्रोसीडिंग की कोई परंपरा नहीं है, कोई रिवायत नहीं है कि इसका कोई प्रोसीडिंग बनता है। जो उसका जो डिमांड, जो शिकायत है, वो अपनी बातों को रख देते हैं कि भाई हमें भी कुछ मौका मिले, या होता है कि भाई नियम के अनुसार ही मौका मिलता है, एक संचालन नियमावली है उस हिसाब से हाउस चलता है। तो इस तरह व्याकुलता नहीं दिखाना चाहिए और मुझे लगता है कि नेता विपक्ष अपने दायित्व का, महती जो दायित्व है, उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और जो सम्राट जी ने उनको व्याकुलता की बात कही है, वो व्याकुलता अब कम से कम नहीं दिखाना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे तमाम लोगों को कि क्या कुछ कहना, जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा हो, विजय चौधरी हो और
जो कांग्रेस के लोगों तमाम लोगों को हमने आपको सुनाया कि क्या कुछ कहना है बैठक को लेकर, और विजय कुमार जो सिन्हा है वो बीच बैठक से ही निकल गए, उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।